हेलो पाइसिस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकंड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। स्टार Ten of Water, Ace of Air, and Four of Earth. I think Pisces, Ten of Cups के साथ आपके लाइफ में सब कुछ है इस वीक में। ये वीक आपका अच्छा गुजरेगा अगर आप चाहेंगे तो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार के कार्ड के साथ आपके मन में अननेसेसरी डाउट्स आ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेके, और आप कुछ भी बोलने से पहले इस वीक में उसको डबल चेक करें। सो यहां पे फोर ऑफ अर्थ के साथ मेरे ख्याल से आपके जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता ये आपके पेरेंट्स है क्योंकि आपके पास तो टेन ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि आपके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अपने घर पे कुछ इश्यूज को लेके परेशान हो सकते हैं यहाँ पे फोर ऑफ अर्थ के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी परवाह नहीं करते और इन फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो इस पर्सन के साथ चले जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी है तो, और नहीं तो मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने पेरेंट्स के और फैमिली के कहने पे जाएंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा पाइसिस कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं। जो कुछ भी आप चीजें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सबके रिलेशनशिप में होती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। आपके जो पार्टनर है वो भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, मुझे लगता है कि आप इस चीज की टेंशन कुछ ज्यादा ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े बिजी रहे या किसी चीज को लेके आपको कहे कि हम बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं या कोई चीज। उनको अपना स्पेस और टाइम लेने दीजिए इस वक्त, क्योंकि आपके लिए कुछ कहना इस वक्त थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है। यहां आप एस ऑफ एयर देख रहे हैं। एस ऑफ एयर के साथ आप जो भी कहेंगे उससे आपका रिलेशनशिप जो है हमेशा के लिए बन सकता है या बिगड़ सकता है। मगर यहां द स्टार का कार्ड है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ या अपना कमिटमेंट तोड़ के। बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं और पता नहीं ये इनसिक्योरिटीज क्यों है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। आप इस पर्सन के साथ होंगे, आपका परिवार भी अच्छा रहेगा एंड मुझे लगता है सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपका पार्टनर भी अपने घर पे सब चीजें ठीक कर लेगा। आप मैच्योर्ड हैं और चीजों को हैंडल कर सकते हैं आप दोनों ही। और द स्टार के साथ खास तौर पे आप ये भी जानते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप डिटरमाइंड हैं और अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप उस चीज को कर लेंगे। बट यहां पे एस ऑफ एयर के साथ छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आप कोई भी चीज, छोटी सी चीज देख रहे हैं, कोई भी छोटा सा बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं अपने पार्टनर का, उसको आप जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं या छोटी सी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं। इससे आपका पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति खराब हो रही है। आप अपने पार्टनर से बिना बात के आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं
अगर आपने कुछ देखा है और आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से उसके बारे में बात करने की जरूरत है, उनसे क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली कीजिए, उसका आपको हक है। लेकिन एक बार डबल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीक में आपको भ्रम हो सकते हैं, गलत फहमियां हो सकती हैं, और यहाँ पे आपके जो वर्ड्स है बहुत ज्यादा मायने रखेंगे इस वीक में। इससे आपकी जो रिलेशनशिप है वो मेक और ब्रेक हो सकती है। इससे भी बड़ी बात कि ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप इयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइस। किंग ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ फायर, एट ऑफ अर्थ, एंड द एम्परर। ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ आप में से कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं पाइसेस जो कि ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये मैरिड मैन या मैरिड वुमेन कुछ भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं। आप उसके लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, या यहां पे सिक्स ऑफ फायर के साथ एक चीज क्लियर है, फिलहाल के जो डेवलपमेंट है, यानी कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स या बहस, उससे दूर जाना चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, इन सब चीजों को पीछे छोड़कर, क्योंकि शायद उनको पता है ये पर्सन मैच्योर्ड है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्सन प्रैक्टिकली चीजों को समझता है कि असल लाइफ में चीजें कैसे होती हैं। ये कोई ख्वाबों में उड़ने वाला इंसान नहीं है, इसे ट्रुथ का पता है। और सिक्स ऑफ वांड के साथ आई थिंक ये पर्सन जानता है कि आप थोड़ा इमेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, तो इस समय वो चुप रहना चूज कर रहे हैं। अगर आप उन्हें क्वेश्चन करते भी हैं बार बार, अगर उन्हें आप किसी चीज के लिए टोकते हैं या किसी चीज का जवाब मांगते हैं, तो हो सकता है इस समय वो कुछ कहने से अच्छा समझे कि वो चुप रहे या आपसे दूर रहे कुछ समय के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाएगी या फिर वक्त के साथ वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां एट ऑफ अर्थ है, यानी हो सकता है कि ये पर्सन अपने वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उन्हें अपने फाइनेंसेस की चिंता है, इस समय उनकी प्रायोरिटी उनका जॉब भी हो सकता है। ओके, ऑफ कोर्स काम हर किसी की प्रायोरिटी होता है, वो अगर स्टेबल नहीं होंगे फाइनेंशियली तो आपका और उनका फ्यूचर भी क्या होगा। ओके, तो यहां पे एट ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, एंड शायद टेन ऑफ कप्स के साथ आपका कांटेक्ट कम है इनसे, और ये चीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है द एम्परर के कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि आप फील कर रहे हैं ऐसा कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हैं, आपके लिए वक्त नहीं निकालते और आपको पूछते नहीं है, आपको भूल गए हैं, या बहुत ज्यादा आपको एटीट्यूड शो कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ, इसको अपने फायदे से मतलब है, ये सिर्फ अपने वर्क पे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देता है, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देता है, अपने स्पेस पे ध्यान देता है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देता है, और जब आपके साथ रिलेशनशिप की या रोमांस की बात आती है तो आपको आके बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सिखाता है कि आपको परफेक्ट कैसे बनना चाहिए, आपको आइडियल कैसे बनना चाहिए।
लेकिन ऐसा है नहीं। आई थिंक ये पर्सन आप हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ये आपसे बड़े हों उम्र में, एज गैप, या एज गैप नहीं भी है तो कम से कम इनके सोचने का तरीका जो है वो मैच्योर्ड है, वो इजीली परेशान नहीं होते। द एम्परर का कार्ड आप देख रहे हैं, ये किंग है, ये छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होता, इसे कोई बड़ा चैलेंज पसंद है, उस बड़े चैलेंज को ये शांत रहकर काल्मली हैंडल कर लेते हैं, चीजों से बाहर आ जाते हैं, और यही चीज वो आपको भी सिखाना चाहते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि आप इस समय इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो वो शांत रहें, इसी में भलाई है। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के सेकंड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।